जो 150 वर्ष से भी ऊपर की विवाद है उसका पटाक्षेप 23 दिन के अंदर में, आज के बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। 40 दिन की सुनवाई, चाहे हिंदू पक्ष की दलील हो या मुस्लिम पक्ष की दलील हो, तमाम इतिहासों का ब्यौरा। और इसके बीच में सवाल फिर वही है कि उस जगह पर भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए, अब तो सारे मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, फैसला आना बाकी है। लेकिन यह आप अवश्य मान के चले कि प्रभु श्री राम की यह भूमि है, प्रभु राम श्री राम के जन्म स्थान के बारे में जो भी फैसला आएगा, श्री राम का वहाँ स्थापना अवश्य है। राजीव धवन तो आखिर लाइन में यही कह रहे हैं, राजीव धवन मुस्लिम पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आज जो पूरे दिन में जो घटनाक्रम हुआ यह दर्शाया गया कि मुस्लिम पक्ष फोर्स फैब्रिकेटेड और इम्प्रूव्ड वर्जन, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया है। उस मामले में आपको दो वाक्य बताता हूँ कि 1861 में जो उन्होंने ग्रांट की बात की, जब 1858 में ही बोर्ड भंग कर दिया गया तो 1861 में रेजोल्यूशन आई कहाँ से? हिंदू महासभा ने ये डॉक्यूमेंट आज प्रस्तुत किया, जिसका जवाब उन्होंने अपने रिजाइंडर में कुछ भी नहीं दिया है। इससे साफ साबित होता है कि उस प्रश्न से वो बचना चाहते थे। दूसरी बात, जो मैप हम लोगों ने दिया आज अदालत के समक्ष, जो उन्होंने टुकड़ों में फाड़ दिया, ये साबित करता है फ्रस्ट्रेशन कि किस तरह से वो सबूतों को भी नहीं देखना चाहते थे, सबूतों को भी झुठलाना चाहते थे। और इस तरह से मुस्लिम पक्ष अगर अपना मुकदमा जीतना चाहता है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता। वरुण जी, हमारा सवाल ये है कि 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट का फैसला आता है, जमीन को तीन हिस्से में बांटने की बात आती है जी। सभी पक्ष यहाँ आते हैं, 9 साल के बाद सुनवाई होती है और अब मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी बात होती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या तय करना है कि क्या टाइटल सूट का बंटवारा हो सकता है या नहीं, या केवल ये जमीन केवल और केवल भगवान राम? देखिए, हम लोगों ने जो अपना दलील दिया है उस दलील में बहुत स्पष्ट है, और सारे हिंदू पक्ष के दलील का केंद्र है कि जो एक तिहाई संपत्ति दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुस्लिम पक्ष को, वह गलत निर्णय था। वह किस तरह से गलत था, कानूनी तौर पर उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है। इन सारी मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से लेती है। एक बात और, TV9 भारतवर्ष पर हमने लगातार ये बात बताई कि मीडिएशन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी, आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोगों को नहीं दी गई है, हम लोग पक्षकार हैं, हम लोगों को नहीं दिया गया है, इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है, मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष जितने भी पक्षकार हैं उस पर एकमत हो, सहमत हो तभी, अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। तो अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बार बार ये हो रहा है कि अब उम्मीदें क्या है आपकी? हम सबों को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही सारे रास्ते निकलेंगे जी। और ये लास्ट में जो टाइम अलॉट किया गया था कि एक आखिरी घंटे का वक्त मिलेगा, अलॉटमेंट होगी, उसमें फिर क्या रही है? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना रिजाइंडर रखा, उनके सारे जो तथ्य थे वो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, इसीलिए अभी जो है उस सारे आर्गुमेंट को कंक्लूड कर दिया गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे वक्त दिया गया था लेकिन वो नहीं हो पाया इस वक्त। देखिए, जब आप देखेंगे सारे पक्षों ने जो अपनी दलील दी है उसमें मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे भी अपना तर्क रखा है और इन सारे तर्कों को ध्यान में रख करके सारा जजमेंट रिजर्व किया गया। आज पूरी जजमेंट, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द एंटायर हियरिंग दैट हैज हैपेंड टुडे? यू सी, वी द हिंदू साइड्स हैव प्रेजेंटेड आवर केस एंड वी हैव क्रिटिसाइज्ड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट टू द एक्सटेंट हाउ द 1/3 शेयर ऑफ द लैंड हैज बीन गिवन टू द मुस्लिम साइड। वी हैव गिवन द लीगल सबमिशंस ऑफ दैट, फैक्चुअल सबमिशंस, एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट दिस 1/3 शेयर गिवन टू मुस्लिम साइड by the High Court is totally illegal, erroneous, and this is not as per the evidence and whatever pleading the Muslim side had in their... और सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी कार्रवाई आज खत्म हुई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है इस बेहद अहम और ऐतिहासिक मामले में। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी बेहद से नजदीक